जैसा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर पर्यावरण दिवस की शुभकामनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा पौधारोपण की मुहिम भी चलाई गई, जागरूकता के अभियान चलाए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले ये वीडियो देखिए। साथियों, मुझे संतोष है कि देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर काम कर रहा है, बल्कि वैश्विक समुदाय को भी साथ जोड़ रहा है। पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। पिछले 8 सालों से जो योजनाएं चल रही हैं, सभी में किसी ना किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। प्रधानमंत्री जी, आग्रह करना जरूरी है, लेकिन आप सजग हैं, सक्रिय हैं, दूरदृष्टि भी रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब हमने देश के पर्यावरण मंत्री की सजगता देखनी चाहिए, तो हमें उनके देश के प्रति या पर्यावरण मंत्री होने के नाते जो मैसेज उनके द्वारा देश को देना था, वो शायद नहीं दे पाए। देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, और उनके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके पौधारोपण करने की तस्वीर नहीं देखी गई, और न ही कोई ऐसी पोस्ट, वो भी सिर्फ एक शुभकामनाओं देने तक ही सीमित रहे, जिससे किसी प्रकार की संवेदनशीलता या जागरूकता की अपील या कोशिश या पर्यावरण मंत्री द्वारा की गई हो, ऐसा नहीं हुआ। शायद ऐसा हो सकता है कि उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट का तंत्र कमज़ोर हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो प्रधानमंत्री के पर्यावरण दिवस पर दिए गए भाषण को आगे क्यों बढ़ाते। लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषण को प्रमोट करने में लगे रहे। अब मंत्री जी पर्यावरण को लेकर कितने संवेदनशील हैं या संवेदनशील हो सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। हालांकि ये बात अलग है कि शिवराज सिंह चौहान रोजाना ही एक पौधा लगाते आ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, पर्यावरण दिवस 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है और इस साल की क्या थीम है। आपको बता दें कि 5 जून को हर साल दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से इस दिन को मनाने की नींव रखी थी, ताकि लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता पैदा की जा सके। इस दिन सोशल मीडिया, सोशल गैदरिंग और कई तरह के कार्यक्रम आयोजन कर पर्यावरण से जुड़े फैक्ट्स शेयर किए जाते हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। देश के बड़े शहर पिछले कई समय से बढ़े हुए तापमान और प्रदूषित हवा में जी रहे हैं। ये हाल सिर्फ दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। आज तापमान में तेजी से बदलाव का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर रह रहे सभी जीवों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यही वजह है कि कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, साथ ही लोग भी सांस से जुड़े कई तरह के रोगों से लेकर कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कब हुई विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत? संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से साल 1972 में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। यहां दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। पहले पर्यावरण दिवस पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चिंताओं को जाहिर किया था। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की नींव रखी गई थी, और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के नागरिकों को
पर्यावरण प्रदूषण की चिंताओं से अवगत कराना और प्रकृति और पर्यावरण को लेकर जागरूक करना रखा गया। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है और इस साल की थीम है ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विथ नेचर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आबादी लगातार 8 अरब की ओर बढ़ रही है और हम अपनी वर्तमान जीवन शैली को बनाए रखने के लिए 1.6 पृथ्वी के बराबर का उपयोग कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से पारिस्थितिक तंत्र हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकता है और परिणाम स्वरूप तेजी से गिर रहा है। अब पहले से कहीं ज्यादा हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि हमारे पास सिर्फ एक पृथ्वी है और हमारे ग्रह को बचाने के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है। यही वजह है कि इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम सिर्फ एक पृथ्वी मौजूदा परिदृश्य पर पूरी तरह से फिट बैठती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।